हेलो दोस्तों, ए बार एसी टेक्नीशियन में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त अफजल आलम। आज का जो हमारा वीडियो है चिलर रिलेटेड है। चिलर में हमारा प्रॉब्लम हो गया है, ये चिलर रनिंग में था। देखिए यहाँ पर जैसे हमारा दो चिलर है, एक चिलर उधर में है और एक चिलर ये है, तो ये चिलर हमारा अलार्म आकर के ट्रिप हो गया है। और इसको हम ट्रबल शूट फाइंड आउट कैसे करते हैं एक एक करके आपको हम बताएंगे और आपको लाइव वीडियो में दिखाएंगे कि क्या इसका प्रॉब्लम है, तो आपको समझ में आएगा। पहली बात आपको बताना चाहते हैं कि हमारा सिस्टम में दो तरह का डिवाइस लगा रहता है, एक ऑपरेटिंग डिवाइस रहता है, एक सेफ्टी डिवाइस रहता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग डिवाइस का बेसिकली क्या काम है कि सिस्टम को हमारा ऑपरेट करता है। ठीक है, जरूरत के हिसाब से उसको चलाना है। जैसे आपका ऑपरेटिंग डिवाइस में सोलेनॉइड वाल्व हो गया, आपका एक्सपांशन वाल्व हो गया, तो ये हमारा सिस्टम को ऑपरेट करता है। सेफ्टी डिवाइस में हमारा एचपी स्विच, एलपी स्विच, ओएलपी स्विच और बहुत सारे इसमें डिवाइस रहते हैं, जैसे एंटी फ्रीज हो गया चिलर में, तो इस तरह का रहता है। तो अभी हमारा सेफ्टी डिवाइस से ट्रिप कर गया है। ऑपरेटिंग डिवाइस तो ऑटोमेटिक काम करता है, लेकिन जब भी सेफ्टी डिवाइस से आपका चिलर ट्रिप करता है किसी वजह से, तो जब तक आप उसको रिसेट नहीं करेंगे, जब तक आप उसको प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आपका सिस्टम नहीं चलेगा। तो अभी नॉर्मली अगर कभी आपका ट्रिप होता है किसी वजह से, तो आप एक बार पूरे पावर को डिस्कनेक्ट करके उसके बाद आप चिलर को ऑन करें तो कभी कभी हट जाता है। लेकिन अगर उससे भी नहीं हट रहा है तो आपको क्या करना होगा, जब तक वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको वो आपका चिलर स्टार्ट नहीं होगा। तो अभी हमने एक बार इसको सिस्टम को ऑफ किया था, लेकिन ऑफ करने के बाद भी ये स्टार्ट नहीं हुआ, अलार्म नहीं किया। तो अभी हम अलार्म को इसको हटाने के लिए अभी हमको उसको प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना होगा। तो अभी देखिए यहाँ पर डिस्प्ले में हमारा एक अलार्म शो कर रहा है। अभी ये डिजिटल हमारा ये है डिस्प्ले है, इसमें देखिए एक सर्किट टू में जो है करंट अलार्म में देखिए क्या दिखा रहा है, बेड कंडेंसर प्रेशर सेंसर करके हमारा अलार्म दिखा रहा है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये हमारा ये दिख रहा है। तो अभी हम इसको अब हम सीधा कंडेंसर प्रेशर सेंसर के पास हम जाएंगे, हमको एलपी सक्शन वगैरह कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, हम सीधा इसको चेक करेंगे तो हमको मालूम चलेगा सेंसर मेरा खराब होगा या कंडेंसर कुछ इशू है, तो वो भी देखेंगे। तो अभी तो हम कंडेंसर सर्विस किए हुए हैं, सब कुछ सही है, लेकिन अभी फिर भी अलार्म आ रहा है, तभी हम इसको चेक करते हैं। आइए हमारे वीडियो के साथ। हाँ दोस्तों, तो हम यहाँ पर आ गए हैं, ये देखिए कंडेंसर का ये लाइन डिस्चार्ज लाइन है। तो हमारा वो जो बेड कंडेंसर प्रेशर सेंसर दिखा रहा था, तो यहाँ पर देखिए एक प्रेशर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इस लाइन में, डिस्चार्ज लाइन में, कंडेंसर का लाइन कहे या डिस्चार्ज का लाइन कहे यही है। तो इस हम सेंसर को निकाल के देखते हैं, क्योंकि इससे डिस्प्ले में हमारा शो होता है, कहीं ये तो खराब नहीं है, कुछ प्रॉब्लम होगा तो इसको भी हम देखते हैं। तो ये आपको निकालने के लिए क्या है, यहाँ पे लॉक रहता है, यहाँ पे लॉक बना रहता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा लॉक यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये हम लॉक को निकाल करके उसके बाद देखेंगे कि कहीं वायर वगैरह तो कुछ खराब नहीं हो गया या किसी तरह से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अभी हम इसको निकालते हैं, आप बने रहिए। ये हम निकाल रहे हैं इसको, बहुत सेफ्टी से निकालने का, टूटने का डर रहता है। इसको मैंने अभी देखिए निकाला, इसके अंदर तीन पिन रहता है, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या इसका रीजन है। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, ये कार्बन आ गया है, ये आप देख पाए तो देख सकते हैं, नहीं तो आपको नहीं दिखेगा आई थिंक, लेकिन इसमें कार्बन है। तो इसको हम क्या करेंगे, अभी सीआरसी से थोड़ा हम साफ करेंगे इसको। ओके, तो अभी हम इसको सीआरसी मेरे पास है, हम साफ कर लेते हैं अच्छा से, उसके बाद हम आपको वीडियो को आगे दिखाते हैं। अभी हमने इसको सीआरसी से क्लीन कर दिया है। अभी क्लीन करने के बाद अभी क्या है, इसको अगर आपके पास ब्लोअर है तो क्लीन करने के बाद ब्लोअर मार दे तो ज्यादा अच्छा है। तो अभी मेरे पास ब्लोअर नहीं है, तो हमने इसको हुक से ही साफ कर दिया है। अभी इसको थोड़ा सा पिन लगा करके हमने उसको जो कार्बन पकड़ा हुआ था वो भी क्लीन अच्छा से कर दिया। तो अभी हम इसमें लगाते हैं, इसके अंदर साफ है, बस इसमें ही गंदा दिख रहा था। अभी देखते हैं इससे प्रॉब्लम हमारा सॉल्व होता है कि नहीं। तो आप बराबर इजी अच्छा से बैठाएं, ये हमने इसको बैठा दिया। ओके, अभी हम चिलर के पास जा करके देखेंगे कि वहां पर क्या कंडीशन है। अभी हम इसको ऑन करते हैं, देखते हैं, कंट्रोल इसका हम ऑन कर दिए, मेन पावर ऑफ नहीं किए थे क्योंकि अपना वो लो वोल्टेज 12 वोल्ट का था, इसके लेकर के हम इसको पूरा ऑफ नहीं किए थे मेन सप्लाई को।
अभी ये हमारा यहाँ पर दो यहाँ कंप्रेसर का स्विच है, कंप्रेसर वन कंप्रेसर टू, यहाँ पे दो सर्किट है ना टोटल, तो यहाँ पर दोनों का अलग अलग स्विच है। अभी हम अलार्म पहले देखें कि अलार्म मेरा डिस्कनेक्ट हुआ कि नहीं, ठीक है। पहले से हमारा अलार्म एक्टिव था। अभी देखिए आपको डिस्प्ले में रीडिंग दिखाएगा। अभी देखिए हमारा ये डिस्प्ले अभी आ गया है हाईलाइट में, वेट फॉर लोड में आ गया है, ठीक है। एक नंबर चिलर स्टेटस वेट फॉर लोड, इसमें हम बढ़ा के देखते हैं। सर्किट वन ऑलरेडी मेरा जो है ना ये ऑफ कंडीशन में हम रखे हैं, वो मेरा चिलर दूसरा खराब है। सर्किट टू में देखिए अभी रेडी ऑप्शन दिखा रहा है, उस टाइम क्या दिखा रहा था, बैड कंडेंसर प्रेशर जो है अलार्म दिखा रहा था। और नज़दीक इसको कीजिए, देखिए अभी सर्किट टू हमारा रेडी कंडीशन में दिखा रहा है। इसके पहले क्या ये देखिए, ये प्रीवियस इसका काम नहीं कर रहा है। अभी लिविंग ये 9.7 है, ये 10 जब आ जाएगा ना तो उसके बाद हमारा चीलर स्टार्ट होएगा। अभी इसको थोड़ा सा टाइम है, चीलर स्टार्ट होता है तो हम आप लोग को दिखाते हैं। सर्किट टू का ये सबका ये अपना रीडिंग है, स्टेटस है कितना कितना क्या है। तो अभी जो बेसिकली हमारा जो अलार्म आ रहा था सिस्टम में, वो अलार्म हमारा डिस्कनेक्ट हो गया है। ये देखिए करंट अलार्म अपना ये सर्किट वन का है, हज दबा करके जो सर्किट वन है ना, तो ये नन है मतलब खाली है। सर्किट टू भी हमारा जो अलार्म है वो खाली हो गया, इसके पहले बैड उसका अलार्म का स्टेटस दिखा रहा था, ठीक है। देखिए वन का प्रीवियस क्या है, बैड फेज का है, बैड कंडेंसर सर्किट टू का जो अलार्म का ये पहले का है, करंट अलार्म ये नहीं है, करंट अलार्म हमारा खत्म हो गया। तभी हम वेट फॉर लोड में है, तो जैसे ही हमारा स्टार्ट होगा सिस्टम, फाइनली हमारा चीलर जो है स्टार्ट हो गया, ठीक है। वो हमारा अलार्म भी खत्म हो गया, स्टार्ट हो गया। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह से हमारा थ्योरी एंड प्रैक्टिकल वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं।